हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन जोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर वर्तमान में कहाँ स्थित हैं। देखो ऑप्शन में भारत, बी नंबर पे बांग्लादेश, सी नंबर पे श्रीलंका और डी में है पाकिस्तान। तो जानते रहेगा मोहन जोदड़ो और हड़प्पा जो प्राचीन जो नगर थे वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहेगा लोथल, लोथल जो है वो भारत में है, जानते रहेगा। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का युद्ध का देवता था तो कौन था। ऑप्शन में है इंद्र, बी नंबर रुद्र, सी नंबर पर शिव और डी में है सूर्य। जानते रहेगा ऋग्वैदिक आर्यों का जो युद्ध का देवता था वो था इंद्र। इंद्र देखिए कहां, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामायण एवं महाभारत महाकाव्य की रचना किस काल में हुई थी। तो जानते रहेगा रामायण और जो महाभारत जो थे महाकाव्य, उनकी जो रचना हुई थी वो थी वैदिक काल में। वैदिक काल देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो जानते रहेगा भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। टेंथ नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जो भी क्वेश्चन अभी कट रहे हैं, पहले जितना दिख रहा है पहले उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर जो नहीं दिख रहा है फिर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर देखिए टेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना किस संगठन के स्थान पर हुई। तो जानते रहेगा नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। तो योजना आयोग देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर ए। ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए ये कब हुई थी स्थापना, ये हुई थी 1 जनवरी 2015 में। तो जानते रहेगा 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पे हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है एक नंबर सही हो जाएगा। फिर देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अटल पेंशन योजना की अधिकतम आयु है। तो अटल पेंशन जो योजना है उसका लाभ कितने वर्ष तक के लोग उठा सकते हैं। तो जानते रहिएगा उसकी जो आयु की जो योजना है वो है 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 18 से 40 देखिए कहाँ आया है, देखिए 40 नंबर आ गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम 40 होनी चाहिए और मिनिमम 18 होनी चाहिए। तो यहाँ सी नंबर इसलिए 40 आ गया, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वच्छता अभियान का लोगो है। तो जो स्वच्छता जो अभियान चलाया गया है उसमें क्या जो लोगो बनाया गया है उस लोगो में क्या है। देखिए ऑप्शन ए में है गांधी चश्मा, गांधी जी का चश्मा उसमें बनाया गया है, या बी नंबर पे गांधी जी की टोपी रखी गई है, या सी नंबर पे गांधी जी का चरखा उसमें दिखाया गया है, या डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिए स्वच्छता अभियान का अगर आप कहीं देखेंगे लोगो कहीं या उसका पंपलेट या कुछ भी देखते हैं तो उसमें आपको गांधी जी का चश्मा निकलेगा। एक तरफ लिखा होता है स्वच्छ और एक होता है भारत, सी सेम दोनों तरफ लिखा रहता है। तो उसमें क्या यूज किया गया है, गांधी जी का चश्मा यूज किया गया स्वच्छ भारत अभियान में। तो इसलिए हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा है। तो जानते रहिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो बिहार राज्य है, जानते रहिएगा बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा यही क्वेश्चन ये होता कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। देखिए जब सबसे कम की बात आएगी तो ऑप्शन हमें ढूंढना है अरुणाचल प्रदेश, और जहां सबसे ज्यादा की बात आएगी तो हमें देखना है बिहार। जानते हैं सबसे ज्यादा बिहार और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, जानते रहिएगा। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो जानते रहिएगा रेशम के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, दूसरा देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो अभी तक कट रहे। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जानते रहिएगा गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदू सभ्यता की शुरुआत किसने की थी। तो जानते रहिएगा हिंदू सभ्यता की शुरुआत की थी आर्यों ने। आर्यों देखिए कहाँ है, देखिए आर्य आए हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता में कब खुला। तो जानते रहेगा भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय था जो कि कलकत्ता में खुला था वो खुला था 1857 ईस्वी को। तो 1857 देखिए कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए आया डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है। तो जानते रहेगा भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर देखिए बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
महात्मा गांधी ने किसे कायदे आजम की उपाधि से संबोधित किया था? तो जानते रहिएगा, महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने कायदे आजम की उपाधि दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को। तो मोहम्मद अली जिन्ना देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जानते रहिएगा, भारतीय प्रायद्वीप से होकर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जानते हैं अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 से। तो 1961 में देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुलटीजर, तो पुलटीजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जानते हैं जो पुलटीजर जो पुरस्कार जो दिया जाता है, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो यहाँ देखेंगे तीनों में से कौन सा ऑप्शन आया है। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा देखिए सी में आ गया है, पत्रकारिता, तो पत्रकारिता को हम क्लिक कर देंगे। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जानते रहिएगा पुलटीजर जो पुरस्कार होता है तीन चीजों के लिए दिया जाता है, एक साहित्य के क्षेत्र में, एक संगीत के क्षेत्र में और एक पत्रकारिता के क्षेत्र में। जानते रहिएगा। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चर्चित खेल क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो हमें पता है कि जो चर्चित खेल जो क्रिकेट है इसका जनक है इंग्लैंड। इंग्लैंड देखिए कहां, ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़े मैदान पर खेला जाने वाला खेल है तो कौन सा है? तो जानते हैं कि सबसे बड़े मैदान पर खेले जाने वाला जो खेल है वो है पोलो। पोलो देखिए कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं, तो लाइफ डिवाइन नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो जानते हैं कि इसके लेखक हैं श्री अरविंदो। तो श्री अरविंदो देखिए कहाँ है, देखिए आए ऑप्शन नंबर देखिए सी में आए हैं, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जानते हैं कि जो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जानते हैं कि संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनता का सदन किसे कहा जाता है? तो जानते हैं कि जनता का सदन कहा जाता है लोकसभा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा में ही जो नेता होते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर आए हुए होते हैं, इसलिए चूंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं इसीलिए जो लोकसभा को हम कहते हैं जनता का सदन भी कहते हैं। जानते रहिएगा। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने कैशलेस और डिजिटल लेन देन अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप की शुरुआत की? तो जानते हैं कि जो भारत सरकार है वो कैशलेस और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भीम ऐप को लॉन्च किया था। तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्होंने जब ये नोटबंदी या ऐसा कुछ जो भी मैटर चल रहा था तो उसमें उन्होंने भीम लॉन्च को भी ऐप किया था। तो भीम देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, भीम ऐप। तो जानते हैं कि भीम ऐप है तो इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ, तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला जो योजना था उसका आरंभ कब हुआ था? तो जानते रहिए इसका आरंभ हुआ था 1 मई 2016 में। तो 1 मई 2016 देखिए कहाँ आया है, देखिए यह है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर। मे भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे, सारी चीज़ समझ में आ गई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए इसके अंदर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।